राम राम सा, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हुआ, पहचान नहीं पाए? अरे मैं मुरारी लाल शर्मा। नहीं, आपकी दोस्त और इस YouTube चैनल की होस्ट जया शर्मा। आप सभी को होली पे ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी होली फ्रेंड्स। होली रंगों का त्यौहार है, मगर दुख की बात है कि इस त्यौहार पे कुछ लोग शराब वगैरह पी करके सड़क पे बहुत ही ज़्यादा उधम करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि जो महिलाएं जा रही हैं, सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, तो इससे उन्हें कितना असहज महसूस होता है। सब तो नहीं, मगर आप लोग भी इस बात को शायद मानेंगे कि कुछ लड़के शराब पी करके और जो बाइक होगी उसे भी इतनी तेज़ दौड़ाते हैं। मतलब ठीक है, त्यौहार है, मगर क्या त्यौहार सिर्फ उन तुम्हारा ही है? त्यौहार तो सभी का है। कुछ शहरों में या कुछ छोटे शहरों में, गांवों में मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं घर से बाहर निकलना पसंद भी नहीं करती। ये बहुत गलत है। त्यौहार जितना पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी है। तो ऐसे असामाजिक तत्व जो कि शराब पी करके बाहर हुड़दंग करते हैं, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं वो खुद प्रेफर नहीं करती घर से बाहर निकलना, क्योंकि ये लोग बुरी तरह से नशे में होते हैं और ये लोग छेड़छाड़ और कुछ उल्टा सीधा बोलना, मतलब जो नशे में है उसका कुछ पता नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान जानवरों पे, जैसे कुत्ता गाय, इनके ऊपर भी कलर्स डाल देते हैं। देखिए, हम तो अगर पहली बात तो हम सभी लोग कलर से परहेज ही करें तो सही है। गुलाल ठीक रहता है या टेसू के फूल सही रहते हैं, मगर कुछ लोग कलर्स और वो जो एक वाइट रंग का सिल्वर पेंट आता है उसको भी यूज़ करते हैं। देखिए, हम तो होली खेलने के बाद नहा लेते हैं, हम लोग होली से पहले भी तैयारी कर लेते हैं। अगर जो लोगों को कलर से खेलना ही है तो वो अपना फेस पे, पूरी बॉडी पे तेल लगा लेते हैं, मगर ये जो जानवर हैं इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। क्या ये तैयारी करते हैं? इन लोगों के ऊपर मैंने देखा है कुछ लोग इतने बुरी तरह से कलर डाल देते हैं। देखिए, ये जो केमिकल वाले कलर होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं। तो क्या सिर्फ इंसान की स्किन को ही ये हार्म पहुँचाएंगे? ये जानवरों की स्किन को भी हार्म पहुँचाएंगे। कुछ लोग कलर के साथ साथ, कहीं कहीं का मैं बता रही हूँ, जो उनके हाथ में आता है, कीचड़ है, मिट्टी है, वो सब डालते हैं। मैं आपको एक होली से जुड़ा एक हादसा बताना चाहती हूँ। एक हमारे परिचित हैं, तो वो अपना होली पे अपना गांव जा रहे थे। वो ट्रेन में, जो पैसेंजर ट्रेन होती है, उससे अपने गांव जा रहे थे। वो खिड़की के पास बैठे हुए थे, तो जैसे कि जो जब ट्रेन मान लीजिए कहीं से गुजर रही है, जो खेत वेत होते हैं, जो फील्ड्स वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे अपना होली खेल रहे थे। तो जो गुब्बारे होते हैं उनमें वो लोग पानी भर करके, और जो उस ट्रेन में पैसेंजर्स जा रहे थे वो उन पे मार रहे थे। जो हमारे वो परिचित थे, वो जो ट्रेन की खिड़की होती है वो उधर ही बैठे हुए थे। तो जो वो बच्चे जब गुब्बारा फेंक रहे थे, तो एक गुब्बारा खिड़की से होता हुआ उनके सीधे आंख पे, वो बच्चे पूरी फोर्स के साथ उन गुब्बारों में पानी भर करके मार रहे थे। तो वो जो एक गुब्बारा है वो उन हमारे जो परिचित हैं उनकी आंख पे सीधा लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत फोर्स के साथ मारा था गुब्बारा और आंख में लगा और वो बहुत तेज़ लगा। तो ये समझ लीजिए कि उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। वो जो उनकी आँख थी वो डैमेज हो गई पूरी तरह से, और उन्हें फिर वहाँ पे, क्योंकि वो जो आई बॉल है वो तो डॉक्टर ने निकाल दी, उसकी जगह पे उन्हें जो नकली आई बॉल होती है वो लगवानी पड़ी। तो उन बच्चों को, वो बच्चे होली मना रहे थे, मगर उन बच्चों को ये ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनका जो मनोरंजन है उसने किसी की पूरी ज़िंदगी भर के लिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो कुछ लोग गुब्बारे मारते हैं, सीधे फेस पे मारते हैं, देखिए वो आँख पे भी लग सकता है।
और जो गाय हैं उनके ऊपर पिचकारी से कलर जो होते हैं, हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल वाले कलर होते हैं, वो भी मारते हैं। अब ये गाय और ये कुत्ते ये तो बाद में नहीं नहाएंगे। और देखिए कुछ लोग जो है बहुत बुरी तरह से नशा करके, और मतलब वो लोग होली इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी होली है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसे तो है नहीं, होली पे तो महिलाएं भी घर से बाहर निकलेंगी। मगर बताएं आप, अगर बाहर कहीं ऐसा माहौल हो जाए कि हुरियारे जो हैं वो नशे में धुत बैठे हों, तो क्या किसी महिला को ये सही लगेगा? क्योंकि वो तो नशे में है, तो ये गलत बात है। अगर हम अपने त्योहारों से ये जो जो ये जो उनका वहाँ पे जो कुछ गलत तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम ये हटा दें तो वो त्योहार सही मायने में तभी त्योहार कहलाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, होली कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत बहुत ही विशाल देश है, अलग-अलग शहरों में होली अलग-अलग तरह से शायद थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता होगा। तो आप जिस राज्य से हैं, आपके यहाँ पे होली कैसे मनाई जाती है, किस तरह से पूजा होती है, किस तरह क्या क्या खाने की डिशेस आपके यहाँ बनती हैं, आप उससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें सेंड करें। और सिलेक्टेड वीडियोस को मैं अपने यूट्यूब चैनल शो योर टैलेंट पे अपलोड करूँगी, और कॉन्टेस्ट विनर्स के लिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। तो आप भी जिस भारत के जिस राज्य में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे अपने होली के वीडियोस, चाहे वो होली सेलिब्रेशन हो, चाहे होली ड्रेस हो, चाहे होली से जुड़ा हुआ कैसे भी वीडियो हो, आप हमें ज़रूर सेंड करें ताकि हम भी देख सकें कि आपके शहर की होली कैसी होती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली।